सुन रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और साथ में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हमारी तरह नहीं कि जादू करा, गेम्स खेली और ब्लॉग बनाया और सब हो गया। माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हो? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी बिल गेट्स से मिले हो? वो है क्या सोमेश? है क्या? हाँ सोमेश है। सोमेश है। सोमेश क्या कर रहा है इधर? ये करो। ओके गाइस करो। ओके देन पीओवी क्या मिला? क्या पीओवी सर? अभी जस्ट दिल्ली में लैंड किया, 4 PM हो गया है। तो आज एक क्रिएटर इवेंट है शाम को, उसमें काफ़ी सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं एंड कब सब लोगों से मिलेंगे तुम्हें मिलवाते हैं। बाकी 4 बज गए, जस्ट लैंड किया है एयरपोर्ट पे। चलो घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे अपने इवेंट के लिए। यार अभी रिसेंटली मैं क्रिएटर इवेंट में गया था दिल्ली में एंड वहाँ पे मतलब एजुकेशन रिलेटेड था, तो मुझे लगा ऐसे एजुकेशन वाले सारे क्रिएटर्स आ रहे होंगे, सॉफ्टवेयर वाले या फिर ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और समझ रहे हो ना। बट वहाँ जाके देखा कि भाई अनमोल जायसवाल तुम्हारे कैमरा वाले भैया, तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और कुणाल एंड काफी सारे जो तुम्हारे इंफोटेनमेंट वाले क्रिएटर्स थे वो भी आए थे एंड इन सबसे हम पहली बार मिल रहे थे। तो मेरे और अजय के लिए तो भाई फैन मोमेंट हो गया था जब हम सोमेश से मिले थे एंड पूरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। जी यहाँ पे अजय आए थे और अजय बोल रहे हैं कि ये हमसे मतलब इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि हम उनसे मिलेंगे। आप गेस करके बताइए और जी मेरा नाम कैमरा वाले भैया और हमारे कवि अजय जी साहब और बहुत अच्छा लगा, बोला आगे। इसके अलावा हम अक्षत श्रीवास्तव से मिले, विवेक बिंद्रा सर से मिले एंड बहुत सारे और क्रिएटर्स से मिले। तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मैंने सोचा यार इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन, एक स्टोरी बनाना तो ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो होल एक्सपीरियंस था लाइक मीटिंग पीपल जिनको तुम स्क्रीन के पीछे देखते हो और उनसे पर्सनली पहली बार मिलने में कैसा लगता है, वो सब तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अब तक नहीं किया है तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यार ये सारे तो जो वो क्रिएटर्स हैं जिनसे हम वैसे कभी नहीं मिल सकते, बट इन जनरल जो सॉफ्टवेयर वाले क्रिएटर्स थे, चाहे वो अनिल भाई हो गए, स्ट्राइवर हो गए, इनसे भी मैं कभी नहीं मिला था, अंशिका से, इन सबसे भी फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिल रहा था एंड सब काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, काफी ज्यादा मजा आया। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मंडे ट्यूजडे के अराउंड मेरे को एक कॉल आया था कि यार यू आर इनवाइटेड टू अ क्रिएटर इवेंट एंड वहाँ पे काफी सारे और क्रिएटर्स आने वाले हैं। तो उस टाइम तक कोई आइडिया था नहीं कि कौन कौन क्रिएटर्स आएंगे एंड क्या इवेंट वगैरह होने वाला है, बट मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैं हैदराबाद में था उस टाइम, सो दे टुक केयर ऑफ द फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो वो वाला सारा सीन सॉर्टेड था। बट उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों से जितने भी हैं इन सबसे बात करी, कीर्ति, यश, अजय, लव भैया, इन सबसे मैंने पूछा कि आपको भी बुलाया क्या, एंड टर्न्स आउट कि सबको ही बुलाया था एंड सो और एक्साइटमेंट। एंड उसके बाद थोड़े दिन बाद इन्वाइट आता है कि तुम्हें ताज में बुलाया गया है, तो वो एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ी चीज होती है। ठीक है, दिस हैपेंड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को मैं सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद से दिल्ली गया था एंड यार भाई फ्लाइट से जाना वो जो 4-5 घंटे का प्रोसेस होता है ना, बहुत थकान हो जाती है। तो मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था, मेरी हालत ऐसी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। ये अपना ट्रैवल वाला फ्लाइट वाला सारा काम नॉर्मल है, सब कर लिया हमने, चले गए वहां पे। दिल्ली पहुंचने के बाद अराउंड 4 बज गए थे एंड जो इवेंट था वो 6 o'clock से स्टार्ट होने वाला था और जो कैब थी वो 5 आ जानी थी, बट मेरे को घर जाने में, बैग वैग कलेक्ट करने में और एयरपोर्ट से घर जाने में अराउंड 4:45 हो गए। और जाओ घर पे और घर पे मम्मी की चाय ना पियो, भाई से मिलना, ये सारी चीजें तो करनी है, तो थोड़ा और टाइम लग गया। फ्रेश वगैरह होके फिर हम निकल गए सबसे मिलने एंड वहां पे ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग पहले से आ रखे थे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम कोडिंग निंजास, 25% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाकर कोई भी कोर्स वगैरह ले सकते हो। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजास, कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारे DSN, C++, जावा, पाइथन के अलावा जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तुम्हारे स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न, फेसबुक जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है। यार जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब यार यहाँ पे ना तुम्हारे काफी सारे हिंट वीडियोज मिल जाते हैं, जैसे अगर तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह आता है तो पहले तुम हिंट वीडियोज देखते हो एंड अपने डाउट सॉल्व करने का ट्राई करते हो। तो C++ DSA वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोज है। इसके अलावा अगर तुम्हारा फिर भी डाउट वगैरह सॉल्व नहीं होता है तो TA सपोर्ट तो है, तुम्हारे 3-4 घंटे के अंदर सारे डाउट वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा तुम यार अर्ली बर्ड ऑफर वगैरह भी ग्राफ कर सकते हो, सब तुम नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। यार हम अपने पहले क्रिएटर इवेंट में और यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अभी हम यश को लेने आए हैं, यश को लेके फिर वापस अंदर चलते हैं। चश भैया और यश एंड वहाँ जाके सबसे पहली चीज जो हमने देखी
तो अजय एंड लव भैया पहले से आ रखे थे, अजय और मैं जब मिले थोड़ी देर बाद वहां पे सोमेश आए। एंड इफ यू डोंट नो सोमेश, कैमरा वाले भैया, उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल एंड यूट्यूब चैनल है, इतनी प्यारी वीडियोस बनाते हैं, इतनी प्यारी वीडियोस बनाते हैं, उनको देख देख के मैंने रील्स वगैरह बनाना ज्यादा स्टार्ट किया था। एंड वो काफी एक अमेजिंग सा मोमेंट था कि तुम यार जिन लोगों को देखते हो एंड उनसे मिल रहे हो एंड सब बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। तब पूरे जो प्रोग्राम था उसमें मोस्टली सब मीट एंड ग्रीट ही था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। अरे अरे लीजिए सचिन, कुशवाहा कुशवाहा करके भी है लेकिन कुणाल कुशवाहा नहीं है। अपने थॉट्स वगैरह शेयर कर रहे थे, नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी। ये तो नॉर्मल वाले हैं, ये रोज आते हैं हमारे पास, मिलते रहते हैं हम लोग। अरे बढ़िया, अब तो होते रहे इवेंट और लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है, वरना हम तो 2 साल से घर पे यही सोच रहे थे कब होंगे कब होंगे। इसके अलावा जो एक चीज और थी वो था गौरव कपूर का एक स्टैंड अप शो। अब गौरव कपूर को मोस्टली लोग जानते होंगे एंड वो शो काफी अमेजिंग था। देखो आई डू स्टैंड अप, इज पीपल सी लाइव स्टैंड अप, गिव मी अ चीयर। व्हाट अ ग्रेट, पीपल वाज लाइव स्टैंड अप फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव मी अ चीयर। ओह तो तुम्हें पता चलने वाला है कपिल शर्मा शो नहीं है, तो काफी चीजें पता चली कि जो एक्चुअली वीडियो तुम्हें 8 मिनट की यूट्यूब पे मिलती है, पूरा 1-2 घंटे का कंटेंट होता है, उसमें से वो छोटे 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 फनी वनी पार्ट्स निकाल के उसको डाला जाता है एंड वो बहुत अमेजिंग लगती है। मैंने भी इतने स्टैंड अप वगैरह देखे हैं, पहली बार स्टैंड अप देखा है, काफी बढ़िया था। क्या हुआ यार, अपना डिनर वगैरह टाइम हो गया, डिनर से पहले ये पूरा गौरव कपूर का शो हमने देखा। गौरव कपूर का शो खत्म होने के बाद आई मेट तपिश एंड प्राची, ठीक है। मैं उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, रिसेंटली वो मेरे कॉलेज एनएसआईटी में आए थे टिकटॉक देने एंड दोनों बहुत अमेजिंग लोग हैं, उनके साथ काफी चल किया, काफी उनसे बात वगैरह करी, काफी सारी चीजें सीखने को मिली एंड उन्होंने एविएशन रिलेटेड एंड फ्लाइंग रिलेटेड काफी सारी हमें चीजें बताई, तो वो अलग ही चीजें थी, ठीक है, वो सब शेयर भी नहीं कर सकते एंड काफी ज्यादा मजा आया उनके साथ बात करके। You know how to write my name? What's her name? P-R-A-C-H-I. Oh, P-R-A-C-H-I. You don't know. That pen is yours, okay? You keep that pen, okay? No, thank you. And the handwriting is better than mine. Oh my god, Azza. Can you give me a heart as well? Oh, thank you, Alina. इसके अलावा भी मैं करण सिंह, वो एक मैजिशियन है एंड यार वो ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, स्टैंड अप भी करते हैं एंड वो भाई काफी अमेजिंग बंदे हैं, ठीक है। उनको मतलब अलग ही लेवल, उनको उनका जो कॉमिक सेंस है वो सारी चीजें काफी बढ़िया है। आगे छोड़ दिया, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी। आयुष भाई मेरे पास आया, उन्होंने बोला मैजिक कर दे वाला। हाँ आपने क्या बोला फिर? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बट वो वही वाली चीज पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं। जब तक तुम रियल नहीं रहते ना तो लोग तुम नहीं पसंद करते, नहीं देखना चाहते, तो वो रियलनेस लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो सबके में दिख रही थी, चाहे वो अक्षत हो, चाहे वो कैमरा वाले भैया हो, चाहे वो कुणाल हो, चाहे वो करण हो, मतलब सबके साथ वही चीज दिख रही थी भाई। ये सब शो वो मिलना जुलने के बाद, सबसे बात बात करने के बाद हमने अपना डिनर वगैरह किया, काफी टेस्टी खाना था। डिनर करके हमने डिसाइड किया यार हम चलते हैं यहाँ से एंड कीर्ति को होटल स्टे मिला हुआ था, तो हम मैं अजय लोग भैया एंड कीर्ति वहां चले गए। फिर वहां जाके हम रात को काफी मस्ती करी, हम सोए नहीं एंड रात को सुबह सुबह कीर्ति बोलती है कि एक वीडियो मतलब एक रील रिकॉर्ड करते हैं डांस वाली। ये जो है इसकी बहुत मुश्किल है, एक एक करके सिखाओ ना, पूरा सिखाओ ना, ऐसे ये करो, 1 ये, हां 2 ये।
तो भाई मेरा तो डांस वांस में बहुत हाथ तंग है ठीक है, मेरे से नहीं होती चीजें, बट वो इतना ज्यादा बोल रही थी तो हमने डिसाइड किया कर लेते हैं। एंड वो इंस्टाग्राम पे डाली थी, तुम लोगों ने अगर अब तक नहीं देखे तो जाके जरूर तुम देख सकते हो। एंड ओवरऑल यार जो इवेंट था, जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड आई विश कि ऐसे और इवेंट्स होते रहे, ऐसे और लोगों से मिलने का मौका मिलता रहे। ठीक है, तो इतना ही था। अब ये सारी चीजें क्यों बताई, तो मैं मोटिवेट करने के लिए बताई है ठीक है। अब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था या कुछ भी स्टार्ट किया था तो लोग मजाक तो सबका उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाते थे, सब कुछ करते थे, बट एक था अंदर से कि यार करना है तो करते रहो, देखते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट अभी इस स्टेज पे आने के बाद सारी चीजें अपने आप अच्छी लगने लगती हैं। मतलब तुम मेहनत करते हो, उसका जब तुम्हें फल मिलता है ना तो खुशी अलग ही होती है। तो मोटिवेट करने के लिए है ठीक है, शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि मेहनत करोगे, अगर अपना 100% दोगे ना तो रिजल्ट्स कभी ना रहोगे तुम्हें मिल ही जाएंगे। एंड यार लोग काफी ज्यादा ये बोलते हैं कि भैया आप पूरा प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं करते हो, ये बाद में बैठ के पूरी स्टोरी क्यों बताते हो। तो एक चीज है कि अभी आई एम नॉट दैट इनटू व्लॉगिंग, या फिर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कभी कहीं पे भी कैमरा खोल के खड़ा हो जाऊँ, कोई रिकॉर्ड करने लग जाऊँ। थोड़ा टाइम लगता है उस वाले स्टेज में आने में। एंड मेरे को लगता है कि लिविंग इन दैट मोमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। एंड उसके बाद मेरे पास वो छोटी 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 मेमोरीज होती हैं, उन सबको मैं बाइंड करके एक वीडियो बना लेता हूँ। एंड अगर मैं 5 साल बाद 10 साल बाद ये चीज फिर से देखूंगा तो मेरे को वो पूरी मेमोरीज रीलिव हो जाएंगी। तो ये पूरा मोटिव, ये पूरा पॉइंट होता है ऐसे ये स्टोरी टाइम वीडियोज बनाने का। सो इतना ही था इस वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।